हेलो मित्रों, ये सहदेव की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार 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 नमस्कार। आप देख रहे हो ये 241 ट्रैक्टर, ये मेसी फर्ग्यूसन 241, आप देख लो सही। अच्छा। से इसमें क्या प्रॉब्लम एक ही है, वो सामान्य फॉल्ट है। ये जो लीवर है ना, लीवर ये वाला एक्सीलेटर जो बोलते हैं हम, इसका लीवर यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है इधर से नीचे से है। तो मामूली फॉल्ट, ज़्यादा तो है नहीं। इसे क्या करता है, पहले यहाँ से एक क्वार्टर पिन आता है, क्वार्टर पिन निकाल लेते हैं। क्वार्टर पिन मैंने निकाल ली है और ये यहाँ से खोल ऐसे, पीछे एक वॉशर आता है ऐसा, ये देख लो ऐसा वॉशर निकाल लो, बाद में ये यहाँ से खींच लो, ये निकल गया। अब ये लीवर आप तो दिखाई देगा सही से, देख लो उसे यहाँ पर नीचे से, ये लीवर के पीछे से यहीं से आपको दिखाई दे या सही से देख लो, ये वाला बोल्ट दिखता है ना आपको, वो 10 नंबर का पाना लगेगा, 10 नंबर के पाने से इसे खोलने का ऐसा। मैं पहले खोल लेता हूँ क्योंकि अकेला हूँ ना, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है। यो पीछे यहाँ से खोलने ये वाला हिस्सा, मैं कोशिश तो करता हूँ आपके सामने, आपको ऐसा ना लगे कि कोई गलत काम कर रहा है, ऐसा ना लगे। ऐसे खोल गया, देख लो ऐसे खोल गया धीरे से, पीछे वाले थोड़ी खोलने में परेशानी तो होती है, लेकिन आप लोग देखते जाओ मैं क्या करता, आपको दिखाई देगा। लेकिन मित्रों आप मुझे लाइक क्यों नहीं दे रहे हो, एक लाइक दो, एक खोल लिया मैंने आपके सामने, देख लो यहाँ पर एक ये वॉशर आएगा, ये वाला ये रहा, ये वॉशर आएगा, ये मैं वॉशर निकाल लेता हूँ। ये वाला वॉशर, ये वॉशर आपने देख लिया, वो निकाल लिया। अब ये अंदर वाली यहाँ रिंग आई है, ये वो रिंग जो वो निकालता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। ये जो कोई सुई ले लो या सोया ले लो, कोई भी आपके ले लो, ये ऐसे रिंग निकलती है, आप देख सकते हैं। और मैं नई रिंग लाया हूँ, मैंने मंगवाई है, वो भी मैं किस तरह से अंदर डालता हूँ आपको दिखाता हूँ। इसे सही तरीके से मैं साफ कर देता हूँ क्योंकि हमें कोई दिक्कत ना हो। मित्रों मेरे पास जो भी काम आएगा मैं धीरे धीरे आपको दिखाता रहता हूँ, मेरे दिमाग में जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे लोग किस तरह से काम करते वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ क्योंकि ये भाल का गैरेज है भाई, फेदरा भाल, यहाँ पर लोग भाल वाले हैं, सही से काम करते हैं, कहीं भी गंदगी ट्रैक्टर में कहीं भी गंदगी नहीं रखते, काम किया साफ सफाई करके, अच्छी तरह से साफ सफाई करके घर पे छोड़ देते हैं लोग, थोड़े भी लीकेज हो तो वो तुरंत ही करवा देते हैं। अब मैं नई रिंग किस तरह से डालता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब मित्रों ये पुरानी वाली रिंग आप देख सकते हो, ये वाली ये पुरानी, और ये मैंने नई मंगवाई है, ये आप देख सकते हो ये नई रिंग है, ये नई रिंग है। यहाँ क्या है, ज़्यादातर क्या हो तक दिक्कत होती है तकलीफ में, ये जो वाला ये बूस होता है, बूस बोलते हैं हम, बूस बोलते हैं आप दूसरे लोग क्या बोलते हैं, इनमें कोई प्ले हो या से कोई प्ले होती है ना, वो क्या बोलते हैं डग, हमारी भाषा में डग जो बोलते हैं, ऐसे डग होती है तभी भी ये बूस के पीछे से को ऑयल निकलता है पंप में जो आता है यहाँ तक पंप में, यहीं से नीचे हो तो नहीं निकलता, लेकिन यहाँ तक हो, यहाँ से ज़्यादा हो तब निकलता है। ऐसी तकलीफ हो तो क्या करने का, ये जो है ना यहाँ पर ये रिंग के रिंग अंदर जलती है, लेकिन बाहर वाला जो हिस्सा है ना वही दिखता हो आप, ऊपर वाला टेपर जो वही आप थोड़ी सी फेविकिक लगा लो, फेविकिक लगाने के बाद क्या होता है, यहाँ फेविकिक अंदर चली जाएगी और जो लीकेजिंग होगा वो आप बंद हो जाएगा,
और ये इस तरह से एयरिंग बिठा दो, ऐसे ऐसे हल्के से बैठ जाती है, इसमें कोई दिक्कत तो परेशानी तो होती नहीं है। ऐसे बिठा दो, बैठ गई। अब क्या करने को, यहाँ पर पहले जो ने वाइसर निकाला था ना, वो वाइसर बिठा दो। पर क्या है कि ज़्यादातर यहाँ पर जो कोई लीकेजिंग हो तो ऐसा करो, यहाँ फेविक लगा डालो। फेविक लगाने से क्या है, यहाँ पर बंद हो जाएगा जो थोड़ी भी कोई भी परेशानी होगी तो। लेकिन यहाँ इनमें तो इतने सारी है नहीं, रिंग ही टूटी हुई निकली थी। ये वाला वॉशर जो मैंने निकाला था ना आपके सामने, ये वॉशर बिठा दो। वॉशर बिठाने के बाद क्या करें, जो निकाला था ना हमने, ये वाला आप देख सकते हो सही से। लेकिन ऐसे नहीं लगाओ, ऐसे नहीं, इधर ऐसे लगाओ। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा अंदर की ओर है, और ये बाहर वाला बेड जो बाहर वाला हिस्सा बाहर की तरह रहेगा इस तरह। और क्या है, यहाँ पर ये खांच आती है, जो खांचा बोलते हैं, एक साइड चौरस है और एक लंबा है और एक तरफ वो छोटा है। लेकिन बड़े वाला हिस्सा जो है वो इसी तरह से बड़े वाला हिस्से के सामने दबा दो और अंदर बोल लगा लो। ये इस तरह से ये बैठ गया आपके सामने, देखा। अब क्या है, उसका जो बोल्ट निकाला था ना वो 10 वाला, ये बोल्ट, ये बोल्ट लगा दो। ये वाला 10 वाला जो खोला था ये लगा लो। ये लगा लो और इसे टाइट कर दो, 10 नंबर के पाने से उसे टाइट कर दो। हाँ मित्रों, ये हो गया आपके सामने, देख लिया आपने, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, आप घर पर ही कर सकते हो या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये क्वार्टर पिन निकालो, एक्चुअली बाहर ये बोल्ट यहाँ खोल लो और ये ऐसे लगा लो, बाहर निकल जाएगा। पीछे एक वॉशर आएगा और रिंग आएगी और कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई काम नहीं, इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए आप, कोई मेसी का है ऐसे नहीं, कोई भी डीजल पंप हो, कोई भी ट्रैक्टर का डीजल पंप हो, यहाँ लीकेज हुए तब इसे इसी तरह से निकाल, ये लीवर बाहर निकाल लो, अंदर से वॉशर आता है, वॉशर निकालो और रिंग निकालो, रिंग और दूसरी डाल दो। और ज़्यादा प्ले हो तो इसमें क्या है, फेविक्विक डाल दो ऊपर, आप जिस तरह से फेविक्विक डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी पंप में, कोई भी ट्रैक्टर का पंप हो इसी तरह होते हैं। अच्छा मित्रों, तो ये देख लो आपको 241 ट्रैक्टर देख लिया मित्रों आपने, ये काम किया मैंने। अच्छा, आपके सामने ये काम कर लिया है तो अच्छा मित्रों, ये देखो अब मुझे क्या करते हैं, आप एक लाइक दे दो और सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारा काम करने का जो नतीजा है, जो तरीका है, वो हम आपको दिखा दें। ओके, क्या करते आप लोग लाइक ही नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, क्या है मुझे, क्या खराबी है, ये बाल का गैरेज है। अच्छा मित्रों, अब मेरा आप सभी को बापा सीताराम, बापा सीताराम।